हेलो दोस्तों, आपसे का स्वागत है हमारे चैनल में। और इस वीडियो में हम आज आपको बता रहे हैं पबजी में आप कैसे अपने चरेक्टर को चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर आप लोग चाहते हो कि यहाँ पर अपने मेल से फीमेल या फीमेल से मेल पे जाना, तो यहाँ पर आप कैसे अपने जो चरेक्टर है उसे आप कैसे चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप पबजी ओपन करते हो तो कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। यहाँ पर इन्वेंट्री का ऑप्शन होगा, यहाँ पर आप क्लिक करिएगा इन्वेंट्री पर। जैसे आप इन्वेंट्री पर क्लिक करोगे, ठीक है, यहाँ पर आपको एक अपीयरेंस का ऑप्शन होगा, यहाँ पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आप जो भी है यहाँ पर आप फीमेल से मेल या फिर मेल से फीमेल जो भी आप चाहते हो वो चेंज कर सकते हो। साथ ही साथ आपकी जो फेस है वगैरह है जो भी है वो आप चेंज कर सकते हो। नीचे एक हेयर डिजाइन है उसे आप चेंज कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप चाहते हो उसके कलर वगैरह चेंज करने का तो उसे भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो थी। अगर उसके बाद यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक करिएगा, आपका जो है चेंज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक और ट्रिक है जो आपको हम यहाँ पर और बताने वाले हैं। यहाँ पर तो यह आपने अपीयरेंस से चेक यहाँ पर चेंज किया है, लेकिन देख सकते हो यहाँ तो अभी फीमेल है। ठीक है, अभी ये फीमेल है, लेकिन यहाँ पर हम इसी तरह से दिखा देते हैं। यहाँ पर एक स्विच टू सेलेक्टर का ऑप्शन होता है, यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके बहुत सारे जो है अनलॉक हो जाते हैं, उसे आप डायरेक्टली चेंज कर सकते हो। जैसा कि देख सकते हो अभी जो फ़िलहाल हमारा फीमेल में दिखाई दे रहा है। जैसे यहाँ पर स्विच करेंगे, यहाँ पर हम बैक इस वाले पर, ये जो है ऑटोमेटिक जो है आप देख सकते हैं हो जाता है चेंज मेल में, मेल में चेंज हो जाता है। और यहाँ इसे अगर हम चाहते हैं तो ओरिजिनल चरेक्टर में आएंगे, यूज करेंगे वही, हम यहाँ पर ओरिजिनल चरेक्टर में आना चाहेंगे तो जैसे यहाँ पर इसको यूज करेंगे या फिर से चेंज हो जाएगा। ठीक है, और यहीं से आप जो यहाँ पर ड्रेस वगैरह भी आप चेंज करना चाहते हो तो वो भी आप यहीं से चेंज कर पाओगे आराम से। ठीक है, और यहाँ पर आप जो भी है वगैरह है आप यहाँ से देख सकते हो। तो उम्मीद है ये वीडियो पसंद आएगा।